सबके कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। होए शर्म आ गई का, फोन करती मम्मी आ गई का, ए मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बताऊंगा न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस, जो कि गाइस अभी आपने होम स्क्रीन पर देख लिए होंगे। गाइस अगर आप अभी जिस तरह का स्टेटस देखा, गाइस अगर आप कुछ इसी टाइप का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाइस वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना। गाइस डाउनलोड करने के बाद गाइस उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। गाइस दिखने के बाद गाइस जो दिख रहा प्लस का आइकॉन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गए जो दिख रहा 9:16 से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो जाने के बाद गए सेटिंग में क्लिक करना, एडिटिंग में जाना है और यहाँ से जो ड्यूरेशन है गाइस आपको रख देना है 2 सेकंड 3 पॉइंट में रख देना, कुछ इस तरह से। इतना रख देने के बाद गाइस स्क्रॉल के नीचे जाना है, फिल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस यहाँ से डन कर देना। डन हो जाने के बाद गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। आ जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको पहले 3 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना। गाइस अगर आप खुद का फोटोज का बनाना चाहते हो तो ले सकते हैं। 3 मॉडल्स फोटो ऐड हो जाने के बाद गाइस यहाँ से डन करना है। डन हो जाने के बाद गाइस लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना गाइस, और जो यहाँ से गाइस जो सॉन्ग है मैं वो सॉन्ग को ले लेता हूँ। सॉन्ग लेने के बाद गाइस मतलब वीडियो ले लेता हूँ और यहाँ से जो एट्रैक्टिव ऑडियो करके सॉन्ग में ले लेता हूँ, वीडियो से डिलीट कर देता हूँ। तो सॉन्ग पर टैप करता हूँ गाइस को कुछ तरह से फर्स्ट तरफ घिस के ले आता हूँ। हो जाने के बाद गाइस इतना उसके बाद दोनों मत को इतना जूम कर लेना गाइस। इतना जूम हो जाने के बाद गाइस फर्स्ट यहाँ तक आना गाइस और फिर से वो सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना गाइस। का जो ड्यूरेशन है गाइस आपको यहाँ पे रख देना है 6 पॉइंट में रख देना, कुछ इस तरह से 6 पॉइंट में रख देने के बाद गाइस यहाँ से डन करना है। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस जो मॉडल्स फोटो लिए थे उसका और यहाँ से को और 2 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद गाइस फिर से आपको सेटिंग में क्लिक करना है और एडिटिंग में जाना है और यहाँ से जो आपको यहाँ पे 1 सेकंड और 2 पॉइंट में रख देना, इस तरह से कुछ इस प्रकार से। रखने के बाद डन करना गाइस और यहाँ से आपको फिर से जो है 1 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है, कुछ इस तरह से। ऐड हो जाने के बाद गाइस फिर से आपको सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है और यहाँ से आपको 5 पॉइंट में रख देना गाइस और यहाँ से डन करना है और यहाँ से आपको फिर से 2 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद फिर से आपको जो सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है और यहाँ से आपको इसका ड्यूरेशन जो 6 पॉइंट में रख लेना, कुछ इस तरह से 6 पॉइंट में हो जाने रख लेने के बाद डन करना है और यहाँ से फिर आपको 2 फोटोज ऐड करना, कुछ इस तरह से। ऐड हो जाने के बाद गए को फिर से सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है और यहाँ से को जो है फिर से जो 5 पॉइंट में रखना है, 5 पॉइंट में रखने के बाद गए डन करना है और यहाँ से आपको फिर से 1 मॉडल्स फोटो ऐड करना, कुछ इस तरह से। ऐड हो जाने के बाद गए फिर से सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में जाना है और यहाँ से आपको रख देना कुछ इस तरह से 6 पॉइंट में। रखने के बाद 6 पॉइंट में डन करना गए और यहाँ से आप 2 मॉडल्स फोटो ले लेना। तो गाइस अगर आप मैंने जिस तरह बताया गाइस अगर भी इस तरह का मतलब फोटो ऐड करते हो गाइस तो का जो मतलब फोटो है बीट के साथ मैच हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद गाइस जो लास्ट का मॉडल्स फोटो पे टैप करना गाइस और उसका जो ड्यूरेशन है आपको ऑडियो के लास्ट तक ले आना, कुछ इस तरह से। यहाँ तक हो जाने के बाद इसको डन कर, डन हो जाने के बाद गाइस आपको फर्स्ट तरफ आना है, कुछ इस तरह से। फर्स्ट तरफ आने के बाद जो फर्स्ट मॉडल है गाइस उस पर क्लिक करना है और यहाँ जो दिख रहा है क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन से क्लिक करना है गाइस और यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कौन सा इफेक्ट ऐड करना है। जो दिख रहा कॉल में डीजे बिल्डसेंस वाला इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ जो थर्ड नंबर मतलब फोर्थ नंबर उसको ऐड करना, कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन कर देना है। फिर दूसरा मॉडल्स पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है गाइस और यहाँ से आपको फिर से कॉल में डीजे वाला ऑप्शन में जाना है और फिर से जो दिख रहा फोर्थ नंबर आपको ऐड करना है। 3 फोटो में गाइस आपको जो है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा है गाइस उसमें आपको क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद कॉल में डीजे वाला इफेक्ट है जो फोर्थ नंबर ऐड कर देना। इतना ऐड हो जाने के बाद थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद जिस मॉडल्स पे क्लिक करना है गाइस फिर क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और आपको यहाँ से इसमें जो है आपको कौन सा इफेक्ट ऐड करना मैं दिखा दूँ। जो इन एनिमेशन लिखा है इस पर क्लिक करना गाइस और यहाँ से इसमें आपको जो दिखेगा 33 वाला इफेक्ट, इस वाला इफेक्ट को आपको इसमें ऐड करना, कुछ इस तरह से। डन करना, फिर दूसरा मॉडल्स पे क्लिक करना है, फिर क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और इसका जो इसमें भी जाने के बाद गाइस क्लिप ग्राफिक्स में एनिमेशन में जाना गाइस और यहाँ से आपको फिर से एक बार
33 वाला जो है सीरीज भी फोटोज में ऐड कर देना है। ढोया जाने के बाद डन करना गाइस, उसके बाद इस मोडस पे क्लिक करना गाइस, फिर आपको क्लिप ग्राफ्स में जाना है और यहाँ से इसमें आपको लगा देना है जो देखा कैम मोशन वाला इफेक्ट, इसमें जो है इसमें आपको इस वाला इफेक्ट को ऐड कर देना कुछ इस तरह से। ऐड हो जाने के बाद गाइस को डन कर देना। डन हो जाने के बाद गाइस उसके बाद जो मॉडल्स फोटो उसको क्लिक करना गाइस, उसके बाद आपको जाना है क्लिप ग्राफ्सी में। जाने के बाद गाइस आपको यहाँ जो बूम से अवाय बीट सीन्स वाला इफेक्ट इसमें क्लिक करना है, जो थर्ड नंबर है इसको ऐड कर देना गाइस। मैंने जितना भी क्लिप ग्राफ्सी में जो डाउनलोड किया होंगे इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसको कैसे मतलब काइन मास्टर में लाना है, इसका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बीट सीन्स एप्लीकेशन, को डाउनलोड कर लेना है गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है गाइस तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया होगा, उसका लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना भी मॉडल्स फोटो गाइस सब में आपको क्लिप ग्राफ्सी में जाने के बाद बूम सेवा बीट सीन्स में जाने के बाद थर्ड नंबर है इसी वाला इफेक्ट है, इसमें जितना मॉडल्स बचा है उसके बाद सब में आपको यही वाला इफेक्ट कुछ इस तरह से ऐड कर देना गाइस। ऐड हो जाने के बाद गाइस का जो स्टेटस है गाइस बनके तैयार हो जाएगा गाइस और आप देख पाएंगे। तो चलो इतना हो जाने के बाद जूम है इसको कुछ इस तरह से इतना छोटा कर लेता हूँ। फर्स्ट तरफ आता हूँ गाइस, लेयर पे क्लिक करता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ। मीडिया पे जाने के बाद गाइस में मैं जो एक PNG ऐड कर देता हूँ बॉर्डर PNG ताकि वीडियो और भी अच्छा दिखे। तो चलो मैं बॉर्डर PNG ले लेता हूँ, इसे डन करता हूँ, बॉर्डर PNG पे क्लिक करता हूँ, ड्यूरेशन है वीडियो के लास्ट तक ले जाता हूँ। तो बस गाइस स्टेटस है बनके तैयार हो गया गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस और अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर बताना गाइस। और यहाँ जो दिख रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना गाइस, जितना HD में वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो कर सकते। चलो मैं यहाँ 1080 में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइस ताकि वीडियो HD दिखे। तो देखो गाइस मेरा जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना चालू हो गया गाइस, आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू।